या डिसेबल्ड पर्सन्स को या बुज़ुर्ग लोगों को जाने आने के लिए कोई भी साधन नहीं है, जबकि रैंप होना चाहिए और इसके अलावा गाड़ी का अरेंजमेंट होना चाहिए। अभी दो सवारियां ऊपर मुझे ब्रिज पे मिली, ऊपर नहीं ब्रिज पे क्या होता, सीढ़ियों से ऊपर को जा रही थी, दूसरी तीसरी सीढ़ियों पे थे। तो मैंने जब ये पूछा कि क्या यहाँ वो नहीं है गाड़ी क्या, बताया गया कि गाड़ी है कि नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन रैंप ही नहीं है तो गाड़ी क्या होगी। तो रेलवे अथॉरिटीज़ को तुरंत इसको बनाना चाहिए, जिससे कि कम से कम लोगों को सुविधा मिले जो कि रेलवे ने दी है। ये बाहर गेट पे लगी होनी चाहिए वो गाड़ी, कपलिंग होने के बाद ये गाड़ी रेडी होती हुई हो गई है। देखिए कपलिंग इसकी कर दी गई है, इसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं हो सकती मैक्सिमम। अब ये देखिए कैसे चढ़ के ये लोग जाएंगे, इतनी बुजुर्ग महिला हैं, देखिए कैसे चढ़ा रहे हैं इनको, मुश्किल से इनको पूरा। अच्छा एक और भी हैं, दो दो बुज़ुर्ग उस समय थे और इस समय फिर जो है वही पोजीशन है। कैसे जाएंगे तो सोच के लगता है कि गाड़ी तो होनी चाहिए ना। तो गाड़ी भी छूट सकती है ना लोगों की, देखिए कितनी दिक्कत है लोगों को। रैंप तो होना चाहिए वैसे, रैंप अब तो बना क्यों नहीं है। Definitely it will. कैसे जाएगा आदमी, इसको जाना होगा देखो, इस तरह से लगा के चलना। रैंप का इंतज़ाम होना चाहिए और दूसरा ये भी होना चाहिए कि गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं है, ये तो स्टेशन मास्टर ही बताएंगे। देखिए अभी कितनी देर इनको लगेगी, कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे वहाँ। जय बाबा मनकरोली।